जनपद में नौकायन को घूमने जाने वाले चार पहिया वाहन चालक को सर्किट हाउस के बाहर वाहन को पार्क करना होगा, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नौकायन पर प्रतिदिन शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच पैडलेगन से नौकायन की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहनों को सर्किट हाउस तिराहे से डायवर्जन कर उन्हें सर्किट हाउस के बाहर स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क करवाया जाएगा। इसी प्रकार सेक्टर से नौकायन की तरफ आने वाले चार पहिया वाहनों का ट्रांसफार्मर तिराहे से डायवर्जन कर उन्हें महंत दिग्विजयनाथ पार्क के पश्चिमी गेट से स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क करवाया जाएगा। शाम 5 बजे से शाम 10 बजे तक सर्किट हाउस तिराहे से ट्रांसफार्मर तिराहे तक किसी भी चार पहिया वाहन का प्रवेश निषेध होगा। दो पहिया वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्हें नौकायन के पास स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क कराया जाएगा। इसके अलावा पैडलेगन से नौकायन की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहन सर्वप्रथम सर्किट हाउस के पास स्थित पार्किंग स्थल पर पार्क होंगे। उसके भर जाने के उपरांत क्रमशः प्रेक्षागृह व चंपा देवी पार्क स्थित पार्किंग स्थल में पार्क किए जाएंगे। प्रत्येक दिवस रामगढ़ ताल के किनारे स्थित सड़क पर टहलने वाले, साइकिल चलाने वाले व योग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत पैडलेगंज स्थित गौतम बुद्ध प्रवेश द्वार से लेकर नौकायन तक जाने वाले मुख्य मार्ग का रामगढ़ ताल के किनारे स्थित लेन वाकर पैदल पथ के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जिस पर प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक साइकिल को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के दो पहिया व चार पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध होगा। प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य उक्त मार्ग वन वे होगा। इस अवधि में पैडलेगंज से नौकायन तक जाने वाले मुख्य मार्ग के मध्य बने सभी कट्स बैरियर लगाकर बंद किए जाएंगे। नौकायन क्षेत्र में गुरुपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई वेंडिंग जोन में वही दुकानें लगेंगी जिन्हें गोरखपुर विकास प्राधिकरण से इस बाबत लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बिना लाइसेंस प्राप्त दुकानें सरोवर रेस्टोरेंट से आगे नौकायन पैदल मार्ग के सटे स्थित दाहिने लेन पर लगेंगी। संपूर्ण नौकायन क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है, जिसके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दो कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के रमणीय स्थल रामगढ़ ताल के लिए बेहतर पुलिस सुविधा हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रतिदिन शाम को 5 बजे से सर्किट हाउस के सामने ट्रांसफार्मर तिराहे के पास ट्रैफिक ड्यूटी लगवा कर वहाँ पे डायवर्जन करवाया जाएगा। 5 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जो महंत दिग्विजयनाथ पार्क के अंदर दोपहिया वाहन सामने की ओर एवं पीछे की ओर चार पहिया वाहन के लिए सर्किट हाउस की पार्किंग भर जाने के बाद गंभीरनाथ प्रेक्षागृह की पार्किंग को भी प्रयोग में लाया जाएगा। प्रातःकाल में सैर करने वाले लोगों के लिए सुबह को 5 बजे से 8 बजे तक पैडलेगंज से लेकर नौकायन तक ताल के किनारे वाला जो पथ है वहाँ पे कोई भी मोटरेबल व्हीकल अलाउड नहीं होगा, ताकि वहाँ पे जो सैर करने वाले लोग हैं, दौड़ने वाले हैं, साइकिल चलाने वाले लोग हैं, वो अपना आराम से बिना किसी चिंता के वॉक कर सकें और रनिंग कर सकें। एवं इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी से चाक चौबंद किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की चुनौती की या इस प्रकार की रोड रेज की या स्टंटबाजी की घटनाएं ना हो। एवं मैं गोरखपुर के निवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस नई व्यवस्था में सहयोग करेंगे एवं डाइवर्जन में एवं पार्किंग में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करेंगे, ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सीसीटीवी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे। सीसीटीवी की निगरानी के लिए दो कंट्रोल रूम पैडलेगंज चौकी एवं नौकायन चौकी पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि पैडलेगंज से लेकर नौकायन चौकी तक एवं नौकायन चौकी से लेकर पैदल पार्क जो 1.5 किलोमीटर लंबा है एवं जेटी की तरफ का जो एरिया है वो चप्पा चप्पा थर्ड आई त्रिनेत्र की नज़रों में रहेगा। एवं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की घटना ना कारित कर पाए, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि सभी कैमरों का हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन कैमरे जो हैं लगाए जा रहे हैं।